आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर के स्ट्रिप्स से फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर के न्यूज़पेपर के स्ट्रिप्स से एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे। इस तरह से हम पेपर को फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको सीजर की हेल्प से इस तरह से इसको कट करेंगे और इसके बाद फिर इसकी हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, पेपर के स्ट्रिप्स बनाएंगे। जो पेपर की स्लिप हमको मिली है, इसमें से एक एक पेपर की स्लिप लेकर के इनकी स्ट्रिप बनाएंगे किसी भी स्टिक की हेल्प से। जो पेपर की स्ट्रिप्स हमने कट की है, उसमें से एक एक स्ट्रिप्स ले करके हम किसी स्टिक, सलाई या किसी रॉड की हेल्प से हम इस तरह से पेपर की स्टिक्स बनाएंगे और इन पेपर की स्टिक्स की हेल्प से हम फ़ोटो फ्रेम को क्रिएट करेंगे। इसमें मैक्सिमम हमको 20 स्टिक्स लगेंगी। जो पेपर की स्टिक्स हमने क्रिएट की है, उनमें से 5 स्टिक्स लेकर के हमको एक दूसरे से जॉइन करना है, फेविकॉल से इसको स्टिक करना है, इसको चिपकाना है। इस तरह से हमको एक कॉलम हमारा क्रिएट हो जाता है 5 स्टिक्स का। इस तरह से हमें 4 कॉलम्स को क्रिएट करना है और फ़ोटो फ्रेम के चारों तरफ लगाने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। जो स्टिक्स हमने बनाई हैं, उसमें हम इस तरह से ड्रॉ करके और इस तरह से उसकी जो बॉर्डर से उसको कट करेंगे। जो फ़ोटो फ्रेम हमने क्रिएट की है, उसके पीछे हमने एक कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया है और इस तरह से हम एक सेंटर में ग्लू लगा रहे हैं और इस तरह से हम एक डोरी पेस्ट कर रहे हैं ताकि इसके द्वारा हम फ़ोटो को हैंग कर सकें। जो पेपर की जो हमने फ्रेम क्रिएट करी है, उसमें अब हम इस तरह से ग्लू गन या फेविकॉल की हेल्प से एक स्टिक को पेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू जो फ़ोटो हम इसमें लगाएंगे वो फ़ोटो यहाँ पर आकर के रुक सके और नीचे से ना निकले। इसके लिए यहाँ पर हम एक स्टिक को पेस्ट करेंगे इस तरह से। पेपर के जो स्ट्रिप्स हमने क्रिएट की है, इनके थ्रू हमने जो 4 कॉलम्स बनाए हैं, इनको हम फ्रेम के चारों तरफ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, जिसके थ्रू हम फोटो फ्रेम को क्रिएट कर सकें। इस तरह से हमने फ़ोटो फ्रेम को डेकोर करके क्रिएट किया है। इस फ़ोटो फ्रेम में हमने फ़ोटो को एडजस्ट करके फिट करके